हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ जो सब लोग जानना चाहते हैं, आप लोग भी। और जब मैंने भी शुरू शुरू में यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया था तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और अभी लास्ट वीक मैंने देखा कि दो तीन लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मंटू भाई, यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर आप एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके पास यूट्यूब चैनल होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब चैनल होना ही नहीं, यूट्यूब चैनल के साथ साथ उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं जो अगर आप नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब चैनल कैसा बनाया जाता है और उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग कैसे कैसे होती है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को देख करके आपको एक यूट्यूब चैनल बनाने आ जाएगा, साथ में उसमें यूट्यूब चैनल में सेटिंग जो होती है इंपॉर्टेंट वो आपको आ जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। शुरू से लास्ट देखिए, मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा और ध्यान से बताऊंगा भी पूरे स्क्रीनशॉट के साथ कि कैसे क्या क्या करना है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। और मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, इसमें आप देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि मेरा जो मोबाइल है वो ऑन हो चुका है। थोड़ा सा मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, मेरा मोबाइल की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो देखिए, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले उन लोगों के पास जिनके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो वो लोग अपना जीमेल अकाउंट जरूर बनाएं। तो कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ पर आप जो है क्लिक कीजिए जीमेल अकाउंट, और यहाँ पर देखिएगा नीचे आएगा क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है। क्रिएट जीमेल अकाउंट पर जाने के बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए, और आप कोई नया अकाउंट बनाना मान लीजिए आपको, तो क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, ठीक है। क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट पर जाने का, और यहाँ पे जो है फॉर माई सेल्फ, कौन सा अकाउंट बनाना है, बच्चे के लिए अपने लिए, तो फॉर माई सेल्फ क्लिक कीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए अकाउंट बना हुआ है तो लोगों के पास जीमेल अकाउंट है वो तो इजीली जा करके यूट्यूब चैनल पर अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास जीमेल का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो वो लोग जो है ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसके पास जीमेल का अकाउंट नहीं होगा। पूरे मुझे नहीं लगता कि कोई एंड्रॉयड मोबाइल चला रहा हो और जिसके पास जीमेल का अकाउंट ना हो, तो सबके पास जीमेल का अकाउंट होगा। फिर भी आपको जीमेल अकाउंट बनाने आता हो तो आपको मैं बता दूंगा कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है। उसके लिए आपको जाना है जीमेल पे, जाइए जीमेल अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जीमेल अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आएगा क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट पे जाने का और अपना जीमेल अकाउंट बना लेने का, ठीक है। अगर आपका जब जीमेल अकाउंट बन जाता है, जीमेल अकाउंट बनने के बाद मान लीजिए कि मेरा जीमेल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, मेरा जो जीमेल अकाउंट बना हुआ है, अब इस जीमेल अकाउंट जब बन जाता है तो मैं क्या करूँगा, सीधे जाऊंगा अपने YouTube चैनल पे जाऊंगा, YouTube पे नॉट YouTube चैनल पे, ठीक है। सबके पास YouTube होता है, YouTube के अंदर सब लोग सब कुछ देखते हैं। तो आज मैं जाऊंगा YouTube पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे साइड में आपको एक यहाँ पे एक प्लस का बटन दिखाई देगा, ठीक है। इस प्लस के बटन पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, जिनके पास जीमेल अकाउंट ना हो तो भी वो भी यहाँ से बना सकते हैं, जो भी पासवर्ड है खोल लीजिए, ठीक है। आपने प्लस पर क्लिक किया, प्लस पर क्लिक करने बाद क्या होगा, यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक या तो आपके पास पहले जीमेल अकाउंट है डाल दीजिए, नहीं है क्रिएट अकाउंट क्लिक कर लीजिए, फॉर माई सेल्फ आप अपने बनाना है तो आप फॉर माई सेल्फ कर लीजिए, आपको जो है हो जाएगा। आपको मान लीजिए नाम डालना है, जैसे मेरा नाम क्या है मंटू बर्नवाल, तो मैंने अपना डाल दिया मंटू बर्नवाल। अब मेरा ऑलरेडी जो है जीमेल अकाउंट बना होगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 89 है, 091989। जेंडर जो भी आपका हो, मेल फीमेल जो भी आप अपने हिसाब से चूज करना चाहते हो कर सकते हैं, यहाँ पर चूज कर लिया। अब देखिए इसमें ये आपको ऑप्शन दिखाएगा, जो भी उसके पास रहेगा ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आया बर्नवालियम 29, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट के बाद मुझे जो पासवर्ड चुनना है मैं पासवर्ड चुन कर दूंगा, यहाँ पे पासवर्ड चूज कर दूंगा तो मेरा जीमेल अकाउंट बन जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, जीमेल अकाउंट बन जाएगा
आपको जो भी पासवर्ड हो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ABCD जो भी हो, ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, पासवर्ड आपको बन जाएगा। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है इसलिए मैं दूसरा नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए चीज़ों पर। उसके बाद से क्या करना है आपको, सीधे आप में जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो एक प्लस का बटन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद चेकिंग इन्फो करेगा, चेकिंग इन्फो करेगा आपको जो भी मतलब लाख लगा रखा है उसको हटाइए वहाँ से। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ओके। अब हम चलेंगे यहाँ पे उस अकाउंट से क्लिक करेंगे, तो हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी जीमेल है उस जीमेल से हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट हो जाने का। मेरे मान लीजिए मेरे मंटू बनवा के नाम से अकाउंट है, मंटू बनवाल मन किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद से जो है मैंने इस पर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो कन्फर्मेशन मांगेगा, नॉट ए रोबोट, ओके। नेक्स्ट किया, वेरीफाई कर लेने का जो भी आपका क्रॉस बॉक्स वगैरह वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। गूगल अकाउंट जब बन जाएगा तो आपको जो है इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है आपका, इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है, ठीक। इस तरह से जब इंटरफेस आ जाएगा तो आप उसको क्या करना है, यो चैनल पर क्लिक करना है। गाइस ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यो चैनल पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यो चैनल ऐसा बन जाएगा। आप देखिए इसमें क्या है, जब ऐसे बन जाता है तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है। जैसे ये मेरे वाइफ का चैनल है, वीडियो है, यूट्यूब का चैनल है, उसका चैनल नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक पेंसिल का बटन दिख रहा है, पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, ये बीच में जो राउंड वाला है, इसका आप लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप गूगल में गैलरी में जाइए, आपका जो भी फोटो वगैरह है, जैसे मान लीजिए मेरी बेटी का फोटो है तो मुझे इसको लगा देंगे आप, जो भी आपको मतलब चूज करना है तो आप यहाँ पे सेव एज प्रोफाइल पे चेक कर देंगे तो वहाँ सेव हो जाएगा। और जो पीछे जो लंबा सा दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, ये जो होता है, ये इसको हम बैनर कहते हैं यूट्यूब का। जो आप जब जाते हैं ना, जैसे कि मेरा बैनर दिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ पे साइड में दिखा दूंगा, ध्यान देख लीजिएगा। तो बैनर आप जो है बना कर रखिए, बैनर बनाना नहीं आता है तो बैनर बनाना सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बैनर का। तो आप जाइएगा और अपने यहाँ से बैनर, जो भी आपका बैनर है अपने बना कर रखा हुआ पहले से चूज कर लीजिए। मान लीजिए मेरा बैनर ये हो गया, ये मेरा बैनर हो गया, मैंने इसको चूज किया। उसका एक रिजोल्यूशन होता है, इतना लंबाई चौड़ाई कुछ दी होती है, 1024 टू समथिंग का तो हो जाता है। तो उसके लिए मुझे मान लीजिए ये मैं ले लिया, ठीक है, ये भी मेरा बैनर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब जो भी आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं तो उस चैनल का नाम आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे नाम रखना मंटू बर्नवाल, तो मैंने वो नाम रख लिया यहाँ पे। आपको जो भी रखना है अपने हिसाब से रख लीजिए, ठीक है। फिर आपका हैंडल बन जाता है, जैसे जो हैंडल होता है जिस हैंडल के नाम से लोग आपको सर्च करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, तो हैंडल आपको मिलता है, तो आप वो हैंडल आपके नाम से रख लीजिए। रखने के बाद जो है आपका एक यूआरएल भी मिलता है, मतलब इस यूआरएल को कॉपी करके जो है आप लोगों को शेयर करते हैं तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करने पर आपका यूट्यूब चैनल खुल जाता है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। महत्वपूर्ण पार्ट क्यों बोलते हैं उसको हम, मान लीजिए अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे ना तो आपके बारे में लोगों को पता नहीं होगा कि आप कौन सा चैनल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो जो बहुत जरूरी चीज़ है, यहाँ जरूर लिखिए आप कि हाय गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज मंटू बर्नवाल ना, मैं टेक वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे आप कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, और इसमें आपको जैसे बहुत सारे फैक्ट चैनल हैं, बहुत सारे ब्लॉगिंग हैं, बहुत सारे गेमिंग चैनल हैं, तो आप डिटेल लिखना है अपने बारे में जो भी है। तो आप यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। लिखने के बाद जो है आप अपना ये कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट ही रखिए, इतना हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद जाने के बाद आप सीधे इसको बैक कर दीजिए। इतना रेडी हो गया, लोगो लग गया, लोगो लगने के बाद बैनर लग गया, अपने अपने चैनल के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए, तो इससे लोग जान गए कि हाँ ये भाई साहब इस टॉपिक पर चैनल बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। डेस्कटॉप मोड जो है सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप करना है, ध्यान सुनिएगा, टाइप करना है स्टूडियो स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम। ये जो आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम जो आपने टाइप किया है ना, उस पर आप करने के बाद इस जो दिख रहा है तेज एरो वाला, किसी किसी सर्च किया था उसको आप क्लिक कर दीजिए। ऐसे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा जो फर्स्ट टाइम रहेगा।
आप गेट द ऐप पर मत जाइएगा, आपको जो कंटिन्यूटी स्टूडियो, जब कंटिन्यूटी स्टूडियो करेंगे आप देखिए कैसे इंटरफेस खुल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ जिसको आ गया ना उसका चैनल बहुत ब्रांडिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो कंटिन्यू, ठीक है, और यहाँ देखिए आपका इंटरफेस आ जाएगा, जो लोगो लगाया वो दिखा गया आपको, ठीक है। फिर आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर हो जाएगा ओके। अभी देखिए इसमें समरी दिखा रहा है, अब क्या करना है आपको, साइड में जाना, नीचे बाएं साइड में एक सेटिंग का बटन है, क्लिक कीजिए आप, सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आता है, चैनल जनरल अपलोड डिफॉल्ट परमिशन कम्युनिटी एग्रीमेंट्स। तो जनरल में आप जो है यूएस डॉलर मतलब जिस मतलब जो कमाई होती है, जो अर्निंग होती है, वो अर्निंग कैसे होती है, कैसे शो करना होता है, तो यहाँ पे चीज़ शो करती है, ठीक है। तो आप इसको यूएस डॉलर कर लीजिए या फिर आपको अच्छा लगे तो इंडियन रुपीज कर लीजिए, या जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री की मतलब चीज़ें यहाँ डाल दीजिए। फिर आप आइए चैनल पे, चैनल पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस आप कहाँ करने वाले हैं, आई एम बिलोंग फ्रॉम इंडिया, तो मैंने इंडिया यहाँ पर चुन कर दिया, ठीक है। ये देखिए इंडिया आ गया है ना, मैंने इंडिया कर दिया। अब कीवर्ड में मतलब वो होता है, ठीक है, जिसके जो चैनल आप बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में आप अपना कीवर्ड डाल दीजिए। सबसे पहले अपने चैनल का नाम डाल दीजिए, जैसे मेरा चैनल है मंटू बरनवाल, तो मैंने यहाँ पर किया इंटर मार दिया, तो कोई व्यक्ति अगर मेरे नाम से खोजेगा तो वो चैनल उसको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर करके आपने और जिस चीज़ के बारे में चैनल, जैसे ब्लॉगिंग है ब्लॉगिंग लिख दीजिए, टेक चैनल है तो टेक लिख दीजिए, जो भी जिस रिलेटेड आप टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में क्या है, दो ऑप्शन है, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, स्किप कर दिया कीजिए हमेशा, इसको ना कोई टिक मत कीजिए। फीचर एलिजिबिलिटी में आइए, फीचर जो एलिजिबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे आप फ्यूचर में आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं तो बोलूँगा शुरू में जब आप चैनल बना रहे हैं तभी इसको आप जो है एक्टिवेट रखिए, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड फीचर्स है वो मेरा इनेबल ऑलरेडी है ओके। इसमें चैनल इज फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस, मेरे पास कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं आई है। अब स्पेशल फीचर में आ गया तो यहाँ पर जाएंगे तो वेरीफाई फोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई फ़ोन नंबर हो जाएगा आपको, मान लीजिए यहाँ पर अपना जो कंट्री है कंट्री डालिए, है ना, कंट्री डालने के बाद जो मान लीजिए मेरा इंडिया कंट्री में इंडिया डाला, मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो भी मोबाइल नंबर आपका है, मैं ऐसे एक डेमो दिखा दे रहा हूँ आपको ओके। अपडेट डालेंगे तो आपका पासवर्ड आ जाएगा, गेट कोड आ जाएगा, कोड आने के बाद आप उसको इंटर करेंगे तो आपका जो है चैनल जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है एक बार मैं फिर से थोड़ा बैक हो जाऊँगा क्योंकि वो हट गया मेरे यहाँ से, तो studio.youtube.com ये टॉपिक आप याद कर लीजिए आपने किया, और ये जब खुल जाएगा ओपन हो जाएगा तो आपको साइड में नीचे आना है। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे एडवांस पे, ठीक है, चैनल में गए, चैनल में जाकर के हम लोग एडवांस पे थे, एडवांस सेटिंग में थे, ठीक है, अपनी एडवांस सेटिंग में फीचर एलिजिबिलिटी चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका मोबाइल मोबाइल नंबर जो भी आप वेरीफाई कर लीजिए दोस्तों प्लीज़, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा। इसमें आपको दो तीन चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो हो जाएगा आपका वीडियो जो है लॉन्गर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स ज़्यादा भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कस्टम थंबनेल हो जाएगा, आप थंबनेल कस्टम कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और आता है एडवांस फीचर, एडवांस फीचर जो है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें वीडियो वेरिफिकेशन होता है भाई, आप वीडियो वेरिफिकेशन क्लिक कीजिएगा, है ना, फिर वैलिड आईडी आपके पास कोई आईडी वगैरह वो डाल दीजिए यहाँ पे, और चैनल हिस्ट्री क्या है वो करने के बाद जो है आपको इतने सारे फीचर मिल जाएंगे। आप कंटेंट आईडी क्लेम कर सकते हैं, क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अपलोड मोर वीडियो डेली कर सकते हैं, ठीक, क्रिएट ज़्यादा शॉर्ट्स बना सकते हैं, आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं यूट्यूब में जिससे आपका चैनल जो है ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये कर देंगे तो आपको यहाँ पे पूरा चीज़ दिख जाएगी। अब ये सब करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपको जब मेरा यूट्यूब चैनल है ना जिसमें सारे फीचर इनेबल्ड हो मैं दिखाऊंगा, ये तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इतना हो जाएगा तो आप जाइएगा, एक चीज़ है अपलोड डिफॉल्ट, अपलोड डिफॉल्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए, ठीक है, तो बता दे रहा हूँ क्या करनी है। इसमें जो आपका विजिबिलिटी है ना वो हमेशा आप अनलिस्टेड रखिए। अनलिस्टेड क्यों रखना है कि आपकी जो वीडियो अपलोड करेंगे अनलिस्टेड रहेगा, बाद में उसको पब्लिक कीजिए, प्रीमियर कीजिए, आप टाइम के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किए तो उसके आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको ग्रो करने के, ठीक है। उसमें आता है एडवांस सेटिंग, हाँ अभी एडवांस सेटिंग जो होती है इसमें
अब ध्यान देखिए क्या चीज़ दी हुई है, लाइसेंस तो लाइसेंस को उसे छोड़ दीजिए। एक आता है कैटेगरी, कैटेगरी मतलब यूट्यूब ने क्या किया है कि चैनल को कैटेगरी वाइज किया हुआ है। कैटेगरी मतलब कि आप जो है किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, जैसे मेरा टॉपिक जो है टेक्निकल का है, तो मैं क्या करता हूँ टेक वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ डाल रखा है देखिए, इसमें ध्यान देखिए आप, गेमिंग, कार्स एंड व्हीकल्स है, कॉमेडी, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म एनिमेशन है, ठीक है, म्यूजिक है, न्यूज एंड पॉलिटिक्स के बारे में है, और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे कोई ब्लॉगिंग करता है तो ब्लॉगिंग करने का यहाँ देखिए विभूषण ब्लॉग्स दिया है, या सौरभ जोशी भैया है, बहुत सारे लोग हैं ब्लॉगिंग करते रहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। गेमिंग चैनल है, बहुत सारे लोग लाइव गेमिंग दिखाते हैं, तो गेमिंग चैनल हो गया। एजुकेशन है, जैसे कोई टीचर हैं पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनका चैनल का कैटेगरी एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी सही नहीं चुने हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैटेगरी एकदम इंपॉर्टेंट चुनना चाहिए, उसी टॉपिक पे आप काम करना है, एक उसको नीचे बोलते हैं, ठीक है, आप जो है नीचे के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, ठीक है। इसमें मेरा जो है मान लीजिए कि मेरा एजुकेशन है, मान लीजिए तो मैं एजुकेशन चुन लिया, ठीक है। अब जो है लैंग्वेज क्या रहती है आपकी, मोस्टली हिंदी रहती होगी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप चुन लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मेरा इंग्लिश इंडिया है, आई एम सिलेक्टेड इंग्लिश इंडिया, ओके। उसके बाद से जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें थोड़ी सेटिंग वोटिंग है, इसमें अपने हिसाब से आप जो भी आप करना चाह रख सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे इसको हटाइए, अब आप आ जाइए यहाँ पे परमिशन, ठीक है। परमिशन जाएंगे तो परमिशन क्या दिया हुआ है, ओनर, ये आपके चैनल का ओनर कौन सा है, मान लीजिए कि इस चैनल का ओनर जो है ये है। अब इसको परमिशन भी बहुत सारे लोग दे सकते हैं यहाँ पे इनवाइट करके, है ना। तो बेटर ये रहेगा कि आप चैनल का ओनर आप खुद ही रहिए, वो बेटर रहेगा। कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी में आप जो है ऑटोमेटिक फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में कमेंट क्या होगा, जैसे वो लोग आपके पास भद्दा कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, तो उसको ये रोक देता है, होल्ड पोटेंशियली क्लिक कर देंगे यहाँ पे, कमेंट रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एग्रीमेंट्स में आपको एक आपके यूट्यूब के जो एग्रीमेंट है उसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर आप लास्ट में सेव करना मत भूलिए, सेव कर लीजिए, आपके वीडियो हो जाएगा सेव। अब देखिए जो स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम था, सारी चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ देखिए मैं आपको लास्ट में अपना समरी दिखाऊंगा, जैसे जैसे क्लिक करेंगे आप जो वीडियो डालेंगे यहाँ दिखाएगा, आपका लाइव किया वो दिखाएगा, प्लेलिस्ट क्या क्या है वो दिखाएगा, ये सब मैं आपको बाद में जो मेरे आने वाले वीडियो हैं उसमें सब बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल नया चैनल है, तो ऐसा हो गया तो लास्ट में आपका चैनल बहुत बेहतरीन तरीके से बन करके, जैसे मेरा चैनल है देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, उस तरह से बन करके क्रिएट हो जाएगा, और इसका इंटरफेस वैल्यू भी अच्छा रहेगा, है ना, और बहुत सारी चीज़ें इसकी अच्छी अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या होगा, आपके जो रीच हैं, जो भी आपके वीडियो की रीच वगैरह हैं वो अच्छी रहेंगी। दोस्तों प्लीज़ जो है अपना जो आपका जो चैनल है उसमें सब सेटिंग जरूर कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ अपना यूट्यूब चैनल कैसे आता है, मंटू BARENWAL, है ना, इस सर्च मारिए, ये देखिए मेरा आगे चैनल, इसमें जो है देखिए अब ध्यान से, कोई भी चैनल होता है तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप उसको जब पहली बार देखेंगे तो दिखता कैसा है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, है ना। अब वही सही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, लोग उस पर आएंगे नहीं, कॉमन सी बात है। तो इसलिए अपने चैनल को हमेशा अच्छे से रखिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट हों, अट्रैक्ट होंगे तो दिखेगा साफ साफ। जैसे मान लीजिए कि कोई उसका लोगो लगा है, उसमें बैनर लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, तो एक हाँ दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था अपना इंटरफेस, जैसे आपने लोगो लगाया, बहुत सारी चीज़ लगाई, देखिए मेरा एक चैनल है मंटू बनवाल शॉर्ट्स करके, मेरे दो चैनल हैं मंटू बनवाल शॉर्ट्स और मंटू बनवाल, तो मेरा जो मेन चैनल है मंटू बनवाल के नाम से, आप इस पर भी देख लीजिए, उस पर जब सर्च करेंगे तो आपको ऐसा खुलेगा, ठीक है। अब देखिए मेरा लोगो लगा हुआ है, जब क्लिक करेंगे इसको तो देखिए ये मेरा बैनर है, ये जो है ना इस जो ऊपर है, ऊपर ये जो ऊपर है बिल्कुल ऊपर, उसको बैनर बोलते हैं, उसमें आपके सारे डिस्क्राइब वगैरह आते हैं, फिर आपका ये मंटू बनवाल लिखा हुआ है। अब देखिए जो मैं बता रहा था आपको अबाउट में जा करके, ये देखिए डिस्क्रिप्शन जो मैं बोला आपको डालने के लिए, उसको अपने बारे में डालने का, फिर आप लिंक भी उसमें ऐड कर सकते हैं, आपके जो डिफरेंट सोशल साइट्स हैं उसके लिंक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल आप कोई आपका और कोई चैनल हो उसको भी आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन मतलब आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में जा करके। प्लेलिस्ट आप बना लीजिए धीरे धीरे, तो उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग आपके चैनल को वॉच करेंगे, आपने कोई शॉर्ट्स वीडियो डाला है
ये देखिए मेरे जो जो भी शॉर्ट्स वीडियो हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे, है ना। फिर आपके जो भी वीडियो आप मैंने अपलोड किए हैं, देखिए मैंने बनाए यूट्यूबर बनने के फायदे, है ना, यूट्यूब न्यू पॉलिसी, तो सारे वीडियो आपको यहाँ पे दिखेंगे। होम हो गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग कैसी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चैनल मतलब ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको जानना है तो उसमें आप हमसे बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आपको कुछ टॉपिक जानना हो तो कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।